The Perseverant IAS. तो हम लोग चलते हैं आप अगले सवाल में। अगला सवाल जो निकल कर सामने आ रहा है आपका, वो फिर से आ रहा है कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स से। कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ वास्ट वास्ट चैप्टर। तो कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स से ये सवाल निकल कर आ रहा है। जब तक आप लोग सवाल देखिए तब तक जो है, हाँ तो तब तक जो है मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग नए जुड़ गए हैं फिर से, उन लोग को मैं फिर से याद दिला दूं कि भैया सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और साथ के साथ यार नीचे एक रेड कलर का बटन होगा उसको दाब प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने से कुछ नहीं होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पैसा वैसा की जरूरत नहीं होगी। बस इससे ये होगा कि हमारे जो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हो आपके पास फौरन पहुँचेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ही के पास पहुंचने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल जो निकल कर आ रहा है कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स से निकल कर आ रहा है, सवाल का ये बोल रहा है कि किस फ्रीक्वेंसी बैंड के अंतर्गत जो है ना ये वाला सिग्नल लाई करेगा, यानी कि किस फ्रीक्वेंसी बैंड के अंतर्गत ये जो है आता है, यानी कि 2 GHz का जो सिग्नल है वो किस फ्रीक्वेंसी बैंड के रेंज, यानी कि ये जो रेंज है किस फ्रीक्वेंसी बैंड के अंतर्गत आएगा। तो बेसिकली इसमें 4 तरीके के फ्रीक्वेंसी रेंज दी गई है। इन चारों में जो 2 GHz का जो सिग्नल है किसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले HF का मतलब हो गया हाई फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब हो गया अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, EHF का मतलब हो गया एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, और VHF का मतलब हो गया वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अगर आप लोग देखिए, ये है सिंपल और सिंपल, मैंने आपको पहले बता दी कि ये जो है सवाल टंग वाला है, यानी कि इसको आपको याद करना ही है, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। जैसे कि मैंने याद कर रखा है उसी तरीके से आपको भी याद ही करना है। देखिए ये 30 MHz तक के रेंज में आता है, यानी कि 30 MHz तक के जितनी फ्रीक्वेंसी रेंजेस है वो हाई फ्रीक्वेंसी में कहलाती है, ठीक है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है 3000 MHz तक होती है, इसकी जो रेंज होती है वो 3000 MHz तक होती है। अल्ट्रा हाई से थोड़ी सी ऊपर जाएंगे तो 30000 जो मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी वो अल्ट्रा एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है ये एक सेकंड एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है 3 लाख MHz तक की होती है, और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इससे थोड़ी हाई होती है वो होती है 30000 MHz, ठीक है। यानी कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी रेंजेस की बात करूं तो हाई फ्रीक्वेंसी यहां कहीं पर लाई करेगी, और इससे ज्यादा थोड़ी सी होती है वो होती है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और वन सेकंड ये हाई फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आएगा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद सबसे जो ज़्यादा हाई होती है एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, ये सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो भैया हाई फ्रीक्वेंसी की जो रेंजेस मैंने बता दी ये होती है 30 MHz, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी 3000 MHz, और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 30000 MHz, और EHF यानी कि एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी 3 लाख MHz तक की रेंजेस आती हैं। तो भाई अब बात करेंगे कि 2 GHz की जो सिग्नल है इन चारों ऑप्शन में कहाँ पे लाई करेगी, यहाँ लाई करेगी, यहाँ लाई करेगी, यहाँ यहाँ यहाँ। तो भाई कहाँ ये लाई करेगी, ये लाई करेगी यहाँ पे। इसका रेंजेस मैंने बताया अभी आपको 3000 MHz। तो कोई बता सकता है कि 3000 MHz को अगर GHz में ये करेंगे कन्वर्ट, हाँ भाई बताइए 3000 MHz को अगर GHz में इस्तेमाल कन्वर्ट करेंगे तो कितना GHz आएगा, कन्वर्ट करो। देखो 3000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 3×10³ लिख सकते हैं, और MHz को तो जानते ही हो तुम लोग यार कि 6×10⁶ बोलते हैं, और हर्ट्स अपनी जगह पे आ गया। अब एक बात बताओ, 3 हो गया अपनी जगह पे, 3 और 6 कितना होता है जी, 9 होता है कि नहीं होता, और ये हर्ट्स। तो बताइए 10⁹ को क्या लिखते हैं हम लोग, गीगा बोलते हैं, तो हो गया ना 3 GHz। तो 3 GHz कहाँ लाई करेगा भैया, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंजेस में लाई करेगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो जल्द से जल्द हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल जो निकल कर आ रहा है बहुत ही अच्छा टॉपिक निकल कर आ रहा है, ये आ रहा है कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स से। बेसिकली ये एक ट्रांसड्यूसर का सवाल है, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड सवाल है। आप लोग आज तक जितने भी लोग जो हैं फ़ोन तो इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसमें जो एक फंक्शन होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर का, बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता क्या है। तो मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर कुछ होता नहीं है, एक तरीके का नॉन कॉन्टैक्ट डिटेक्शन
सेंस करता है ये। तो बेसिकली नॉन कॉन्टैक्ट डिटेक्शन होता क्या भाई, सबसे पहले ये जान लीजिए, नॉन कॉन्टैक्ट डिटेक्शन नॉन कॉन्टैक्ट डिटेक्शन को क्या करता है भैया, ये सेंस करता है। तो अब नॉन कॉन्टैक्ट तो सभी लोग जानते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट क्या होता है भैया, बिना छुए दूर से ही ये सेंस कर ले कि हाँ कोई चीज मेरे सामने आ रही है। तो इसका इस्तेमाल प्रॉक्सिमिटी सेंसर का जो इस्तेमाल मोबाइल में कैसे होता है, तो आप लोग आज तक देखा होगा कॉल वॉल आता है आप लोग के फोन में, तो आप लोग फोन जब उठाते हैं तो फोन रिसीव करने के बाद कान के अभी दूर टच भी नहीं करते हैं, कान से जब जैसे ही दूर लग थोड़ा ही दूर पे ही रखते हैं तो देखा होगा कि स्क्रीन ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो जाता है बिल्कुल। तो ये किसके द्वारा होता है, यही है प्रॉक्सिमिटी सेंसर नॉन कॉन्टैक्ट डिटेक्शन। आपका आपने अभी कान को टच भी नहीं किया, दूर से ही है तो दूर से ही वो सेंस कर लिया आपका, बिल्कुल टच भी नहीं हुआ, नॉन कॉन्टैक्ट डिटेक्शन इसी को सेंस करता है वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो अगर नहीं अगर देखा है तो आज खुद से तुम लोग सभी लोग जो है जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग ये वाला नॉन कॉन्टैक्ट डिटेक्शन को देख लेना एक बार खुद से ही। कभी कभी देखे होंगे कि कॉल आ रहा है तो सिंपल है कि अपने मोबाइल फ़ोन के जहाँ पे फ्रंट कैमरा उसको यहाँ पे इस तरीके से हाथ रख दोगे तो जो मोबाइल का स्क्रीन जो है ऑन है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हाथ रखना भी नहीं है, केवल अगर कॉल आ रहा है तो सिंपल है इसको हाथ से बस ऐसे इस तरीके से कर देना, इतना डिस्टेंस रखना है, देखना स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। वो किस कारण से होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर के कारण ही होता है। तो सवाल आता है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होता है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है भैया, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स या कंडक्टिव मटेरियल्स को डिटेक्ट करने के लिए, नहीं भाई इसका इस्तेमाल इसके लिए नहीं होता है। स्ट्रेन और स्ट्रेस को मेजर करने के लिए, यानी कि कुछ भी दबाव या प्रेशर्स को डिटेक्ट करने के लिए या मेजर करने के लिए नहीं इसका भी इस्तेमाल, और टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए तो कभी जिंदगी में नहीं होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो भैया बचा क्या, डिस्टेंस। देखिए दूर से ही डिस्टेंस को मेजर करेगा, देखिए डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कोई कॉन्टैक्ट का होना जरूरी नहीं है, आप यहाँ से भी दूसरे, अरे भैया अनुमान लगाते हैं आप किसी भी डिस्टेंस को अनुमान लगाते हैं तो पर्टिकुलर उस जगह पे जाते हैं, जैसे मान लिया कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो सिंपल है यहाँ पे एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगाइए और यहाँ पे ट्रांसमीटर लगाइए, ये डिटेक्ट करेगा, दूर से ही डिटेक्ट कर लेगा, और सिंपल वे में अगर बोलूँ तो ये आपको निकाल कर दे देगा, मेजर करके दे देगा डिस्टेंस। तो बेसिकली प्रॉक्सिमिटी सेंसर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में नहीं लगा रहता है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज में लगा रहते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का बी आंसर, तो ये था राइट जवाब। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है भाई, कहाँ से निकल कर आ रहा है, तो गाइज ये जो सवाल निकल कर आ रहा है मैंने बताया कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से निकल कर आ रहा है, और इसमें सवाल जो क्वेश्चन जो बेस्ड है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड है। तो इसमें बेसिकली हम आपको बता दें कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है बेसिकली इसका जो गेन होता है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा रहेगा गेन उतना कम रहेगा, गेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये सारी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो हम आपके थ्योरी के लेक्चर में ये जब मैं अटेंड करूंगा तब आपको बताऊंगा कि गेन होता क्या है किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस का। तो बेसिकली अभी जो है हम लोग जो है ये न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या बोल रहा है। तो देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है ये दिया गया है, गेन और बैंडविड्थ इन दोनों का जो प्रोडक्ट दिया गया है वो दिया गया है 1 MHz तक, ठीक है। बैंडविड्थ क्या होता है, अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, इसी के डिफरेंस को ही बैंडविड्थ बोला जाता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो बता दें कि जितने भी कम्युनिकेशन आजकल जैसे कि एयरटेल है, वोडा है, जियो है, ये सारी जो है अपनी अपनी बैंडविड्थ पे ही ऑपरेट होती है, ऐसा नहीं है कि एयरटेल कुछ अदर फ्रीक्वेंसी रेंज पे ऑपरेट हो रही है तो सेम फ्रीक्वेंसी रेंज पे जियो भी इस्तेमाल करेगा, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है भैया। हाँ बैंडविड्थ जो है सरकार से खरीदी जाती है, तो इसका अपना ही एक हिस्ट्री है, इसको हम लोग डिटेल जो है ना कवर करेंगे कहाँ, थ्योरी के क्लास में। तो फिलहाल इनर्जी बचा कर रखिए थ्योरी के क्लास के लिए भी, क्योंकि हम लोग जो है हिस्ट्री से लेकर सिविक ज्योग्राफी सब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हिस्ट्री होते हैं, सिविक्स होते हैं, ज्योग्राफी होते हैं, वो
किस तरीके से किस चीज में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो फिलहाल अभी जो है वो सारी चीजों को डिस्क्लोज नहीं करूंगा, टाइम की बहुत ये है, किल्लत है, टाइम बहुत ही कम है, इसलिए उसमें ज्यादा से ज्यादा चीज को कवर करना है। तो सिंपल यहां दिया है कि बैंड विड्थ और गेन, उसका जो प्रोडक्ट है 1 मेगाहर्ट्ज दिया गया है, और गेन जो दिया गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो यूनिटी दिया गया है, यानी कि गेन जो है वो कितना है, 1 है। गेन की कोई यूनिट नहीं होती है, मैं आपको पहले बता दूं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 1 लिखेंगे, ठीक है। तो आपको बता रहा है कि किस फ्रीक्वेंसी पे ये जो है गेन जो है इसका 1 हो जाएगा, किस फ्रीक्वेंसी रेंज पे। तो भैया जैसे कि ये बहुत ही इजी सवाल है, गेन बैंडविड्थ का प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको बैंडविड्थ निकालना है, फ्रीक्वेंसी रेंज निकालना है। तो सिंपल है, गेन को 1 अप्लाई कर दीजिए, 1 into बैंडविड्थ, बैंडविड्थ कुछ नहीं होता है, आपको बता दिया मैंने कि एक फ्रीक्वेंसी ही होती है, क्या होती है, अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी ही होती है बेसिकली, ये 1 मेगाहर्ट्ज तक दी गई है। तो आपको निकालना है बैंडविड्थ, तो इसको ले जाइए नीचे, इसको ले जाइए नीचे, तो 1 मेगाहर्ट्ज अपॉन 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बैंडविड्थ का, कितना आ जाएगा भाई, 1 मेगाहर्ट्ज ही तो आ जाएगा, यानी कि 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे इसकी गेन जो होगी वो 1 हो जाएगी। तो सिंपल है। अब हम लोग जब ऑप्शन में चलेंगे तो देखिए सवाल का जो जवाब आ रहा है, यानी कि ऑप्शन आ रहा है, देखिए किस तरीके से एग्जामिनर ने घुमाया है, आपका जवाब 1 मेगाहर्ट्ज आ रहा है, बट कहीं पे भी मेगाहर्ट्ज नहीं है, बस एक लास्ट ऑप्शन में मेगाहर्ट्ज दिया गया, वो भी 10। तो बच्चा जो है सोचेगा कि मेरा 1 मेगाहर्ट्ज आंसर आया है और यहाँ पे 10 मेगाहर्ट्ज आंसर आ रहा है, तो भाई लगता है कि मेरे कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई है, मिस्टेक हुआ है, इसलिए बच्चा जो है एग्जाम में 10 मेगाहर्ट्ज मारकर आ जाएगा, जबकि ये सवाल का जो जवाब है 10 मेगाहर्ट्ज एकदम गलत है। क्या है, एकदम गलत है बउआ, क्योंकि मेरा जो जवाब है 1 मेगाहर्ट्ज आ रहा है, और 1 मेगाहर्ट्ज क्या होता है, फिर से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करो जी, कौन कन्वर्ट कर रहा था पिछले सवाल में, कन्वर्ट कौन कर रहा था, फिर से करो, 1 मेगाहर्ट्ज को कन्वर्ट करो, 1 मेगाहर्ट्ज को क्या लिख सकते हैं, 10^6 हर्ट्ज लिख सकते हैं, और 10^6 को क्या लिख सकते हैं, 10^3 किलो हर्ट्ज, 10^3 किलो हर्ट्ज को क्या लिख सकते हैं, 1000 किलो हर्ट्ज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बताओ। तो इसका जो राइट आंसर है बाबू वो सी है, ना कि डी है, ठीक है। तो ध्यान रखा कीजिए, एग्जामिनर कभी भी जो है आपको ये कर सकता है, घुमा सकता है, एक प्रॉपर सवाल जो आपको आ रहा है उसको भी आपको उसमें मार्क्स कटवा सकता है। तो सिंपल इस सवाल का जो जवाब है 10th का सी इज द राइट आंसर। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल में। अगला सवाल जो निकल कर आ रहा है वो एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि किस वजह से एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत कम रखा जाता है, क्या रखा जाता है, बहुत कम रखा जाता है। तो क्या है वजह, वो क्या वो वजह ये है कि सर्किट का रेजिस्टेंस इससे घट जाए, नहीं, होल जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस घटा देगा, यानी कि जो सर्किट हमारा दिया गया है पहले से ही उस सर्किट के ओवरऑल रेजिस्टेंस को अगर घटा देगा तो मेरा सर्किट ही चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली सर्किट के रेजिस्टेंस को जो घटा दे, इस वजह से एमीटर का रेजिस्टेंस लो नहीं रखा जाता है। अच्छा, एमीटर बर्न ना करे इसकी वजह से, एमीटर जल ना जाए, उड़ ना जाए, इस वजह से नहीं, इसका कोई रीजन नहीं है कि इंटरनल रेजिस्टेंस एमीटर का कम रखा जाए। अच्छा, ये जो है डैम्पिंग प्रोवाइड करे, डैम्पिंग हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में कि डैम्पिंग होता क्या है। बेसिकली ये स्केल जो मूव करता है, मीटर जो मूव करता है, ये जो मूव होता है स्केल पे, इसके मूव करना ही डैम्पिंग कहलाता है। तो इसमें दो तरीके के टॉर्क होते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क, वो हम लोग सब पढ़ेंगे डिटेल में, थ्योरी में, लेकिन सिंपल है कि डैम्पिंग प्रोवाइड करने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस लो रखा जाएगा, ये तो सवाल दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि भैया इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ और ही है और डैम्पिंग कुछ और ही चीज़ होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस से डैम्पिंग कुछ भी रिलेशन नहीं रखता है, जिस वजह से डैम्पिंग प्रोवाइड करने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस को लो नहीं रखा जाता है। बचाइए, यही चीज़ है हमारा राइट आंसर। क्या बोलता है कि जो आपका सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों रिलेशन में है, एक ही तरीके का जवाब है, लेकिन देखिए दोनों उल्टा ही है। एक में बोल रहा है कि सर्किट का रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाए, और एक में बोल रहा है कि सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो इफेक्ट नहीं करे, यानी कि सर्किट का जो रेजिस्टेंस था पहले ही जैसा रहे, बरकरार रहे, उसी के लिए एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है लो रखा जाता है। यही एक राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो सबसे हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या सवाल निकल कर आ रहा है, तो देखिए ये सवाल जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है भाई सिंपल और सिंपल पावर इलेक्ट्रॉनिक से। पावर इलेक्ट्रॉनिक से सवाल निकल कर आ रहा है कि एलईडी का जो लाइट होता है, जो जिस वोल्टेज रेंज पे ऑपरेट किया जाता है एलईडी लाइट को, वो जो है इसके लिए बेस्ट सुटेबल ड्राइवर कौन सा होगा, यानी कि इसको ड्राइव करने के लिए कौन सा ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाएगा एलईडी जो लाइट जो लगी होती है और डिफरेंट वोल्टेज पे रेंज पे ऑपरेट किया जाए, उसके लिए कौन सा ड्राइवर इस्तेमाल किया जाएगा भैया। तो देखिए लोग यहाँ सोचते हैं कि वोल्टेज पे ऑपरेट करना है, एक वोल्टेज रेंज पे ऑपरेट करना है, डिफरेंट टाइप के वोल्टेज पे, सिलेक्टेड वोल्टेज पे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कॉन्स्टेंट वोल्टेज हो जाएगा, जबकि ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और फ्रीक्वेंसी देखिए भैया, वोल्टेज डिफरेंट वोल्टेज रेंज पे ऑपरेट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी से तो कुछ लेना देना नहीं, दूर दूर तक भी लेना देना नहीं, ठीक है। और इम्पीडेंस, इम्पीडेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल अल्टरनेटिंग रेजिस्टेंस, यानी एसी सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस होता है उसी को इम्पीडेंस बोलते हैं। तो बेसिकली कॉन्स्टेंट इम्पीडेंस पे ये नहीं होता है वोल्टेज को ऑपरेट, यानी कि एलईडी लाइट जो होता है अगर इसको डिफरेंट वोल्टेज रेंजेस पे ऑपरेट करना है तो उसके लिए कौन सा ड्राइवर इस्तेमाल करेंगे भैया, कांस्टेंट करंट वाला ड्राइवर इस्तेमाल करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था तो इसको रट लेना है, तो कांस्टेंट करंट इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो भैया इसको लाइक करते हुए चलिए और अपने दोस्तों तक फैलाते हुए चलिए। ये कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई हो रही है एएलपी के लिए और ये प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं, डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूं आपके YouTube पे। मेरे ख्याल से इतना डिटेल सॉल्यूशन किसी भी नहीं बताया होगा, आप देख लीजिए चाहे के सर्च कर लीजिए, आपके सामने मोबाइल भी है, आपके सामने नेट भी है, तो आप फ्री हैं सर्च करने के लिए। फिलहाल अपने आते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑप्टो कपलर, इसमें कौन सा ऑप्टो कपलर नहीं है भैया। तो सबसे पहले जान लेंगे, एक इंपॉर्टेंट छोड़ा सब जान लेंगे कि ऑप्टो कपलर होता क्या है। ऑप्टो कपलर एक ऐसा सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है जो बेसिकली बिना किसी भी कॉन्टैक्ट के एक जगह से आपका सिग्नल दूसरे जगह तक ट्रांसमिट हो जाए, इसीलिए ऑप्टो कपलर का इस्तेमाल किया जाता है। मान लिया कि एक बड़ा सा यूनिट है और बीच में यहाँ पे आइसोलेशन लगा हुआ, क्या लगा हुआ, आइसोलेशन। तो यहाँ इस यूनिट से इस यूनिट तक आपको सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, उसके लिए हम लोग ऑप्टो कपलर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टो कपलर में क्या होता है वो हम लोग जानेंगे इसके थ्योरी में, कि ऑप्टो कपलर में कुछ नहीं होता है, एक इमिटिंग डिवाइस होता है और यहाँ पे एक रिसीविंग डिवाइस होता है। ये इमिट करेगा, इसको सेंस करेगा, जो इमिट करेगा उसको सेंस करेगा, तो एक जगह से ट्रांसमिट होकर दूसरे जगह रिसीव किया जाता है। तो ऑप्टो कपलर यही होता है, यानी कि बिना किसी के कॉन्टैक्ट में आए हुए आपको सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। तो भैया पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है ऑप्टो कपलर नहीं है। तो आप लोग जानते होंगे कि फोटो रेसिस्टर टाइप, देखिए फोटो ट्रायक टाइप जो है ना, एक ऑप्टो कपलर होता है। ये बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सवाल निकल कर आ रहा है। एससीआर ट्रायक जहां पे रहेगा वहां एससीआर का होना जरूरी है, सिलिकन कंट्रोल रेक्टिफायर इसको बोलते हैं, और ट्रायक को क्या बोलते हैं, ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा फोटो रेसिस्टर, देखिए फोटो रेसिस्टर का भी बात है ना, तो यह भी एक ऑप्टो कपलर है। ऑप्टो का मतलब ही होता है लाइट डिपेंडेंट, ठीक है ना, तो फोटो का मतलब भी होता है लाइट डिपेंडेंट, ठीक है ना। तो फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो और फोटो, देखिए चारों ऑप्शन में फोटो लगा कर दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो बेसिकली आप फोटो ट्रांजिस्टर होता है ऑप्टो कपलर, फोटो एससीआर भी होता है और फोटो ट्रायक भी होता है। ये तीनों जो है ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज है, क्या है, बट फोटो रेसिस्टर जो है ना पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है और यही ऑप्टो कपलर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर जो होता है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर ए होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के सवाल में। आगे का सवाल क्या निकल कर आ रहा है भैया, तो आगे का सवाल जो है एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। इसमें बोला जा रहा है, देखिए ये सेफ्टी डिवाइसेस से सवाल पूछा गया है कि आपके जो होम अप्लायंस को किस तरीके से सेफ किया जाए, किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, उससे रिलेटेड ये सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, सिंपल सा सवाल है कि 2000 एम्पियर्स के करंट को इनमें से कौन सा जो फ्यूज है उसको सह सकता है। तो देख लीजिए भैया, 2000 एम्पियर कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, आपके घर में अगर देख लीजिए, अगर प्रैक्टिकली मैं बोलने जाऊं
तो भैया सबसे ज्यादा जो अप्लायंसेज यूज हुआ होगा अगर एम्पियर रेटिंग की बात करें तो 16 एम्पियर से ज्यादा यूज नहीं हुआ होगा। अगर नहीं पता है तो जाकर आप पहले अपने घर में जाकर चेक कर लीजिए, ठीक है। जो सबसे ज्यादा एम्पियर रेटिंग का यूज किया गया होगा डिवाइस वो 16 एम्पियर का किया होगा, बहुत ज्यादा हुआ होगा तो 20 एम्पियर का हुआ होगा। डोमेस्टिक अप्लायंस की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल अप्लायंस की बात नहीं कर रही, नहीं कि चले जाइएगा इंडस्ट्री में और देख लीजिएगा कि कितना कितना एम्पियर का रेटिंग का लगा हुआ है वहां डिवाइस। तो भैया इन डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं तो 2000 एम्पियर समझ लीजिए, इसके कंपेयर में कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है कि नहीं जी। तो देखिए सबसे पहले एलआरसी जो होगा वो इसको कहते हैं लो रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो ये जैसा कि नाम से ही इसको पता है कि ये लो रप्चर करता है, लो रप्चरिंग कैपेसिटी वाली फ्यूज है, तो बेसिकली ये हाई रप्चरिंग कैपेसिटी के अंतर्गत आएगा, तो ये तो होएगा नहीं। गिलास कार्ट्रिज फ्यूज, देखिए इसका आंसर तो ये समझ में आ गया क्योंकि मैंने बता ही दिया आपको कि ये हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज है, यानी कि ये चूंकि हाई रेटिंग का करंट आ रहा है इसके लिए जो आप लोग यूज करेंगे वो क्या करेंगे, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी वाला फ्यूज यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन एलआरसी तो यूज करेंगे नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पे दो चीज नया चीज आ रहा है उसको मैं बताते हुए फिर आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल में कि ग्लास कार्ट्रिज फ्यूज। बहुत सारे लोग इसको ग्लास कार्ट्रिज फ्यूज को देखे हुए होंगे, बहुत सारे बच्चे आप लोग में से देखे हुए होंगे लेकिन इसको जानते नहीं है कि ग्लास कार्ट्रिज फ्यूज होता क्या चाहिए। देखिए आप लोग के घर में सभी लोग में पुराने जमाने में स्टेबलाइजर लगा हुआ होगा, आजकल में भी किसी के घर में ये होगा, क्या कहते हैं, फ्रिज तो होगा ही होगा। तो फ्रिज में जो ऑटोमेटिक ये आता है क्या कहते हैं स्टेबलाइजर, तो स्टेबलाइजर में आप पीछे जाइएगा तो एक ठो यहाँ पे स्क्रू लगा होता है प्लास्टिक का, उसको खोलिएगा तो देखिएगा कि अंदर से एक छोटा सा शीशे का फ्यूज निकलेगा, अब पतली सी कॉपर ये लगी हुई होती है, क्या लगी हुई होती है, वायर लगी हुई होती है। तो ये जो ग्लास का जो फ्यूज होता है उसी को बोलते हैं ग्लास कार्ट्रिज फ्यूज। तो ये बहुत ही लो हैंडलिंग कैपेसिटी वाले करंट को ये हैंडल कर सकता है, ठीक है ना, तो ये तो कभी नहीं होगा। और नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल जो है ना फ्यूज में बहुत कम, रेयरली यूज किया जाता है। क्यों भैया, तो नाइक्रोम वायर के बारे में आप लोग सुना हुआ होगा कि नाइक्रोम जो होता है वो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि आप देखा होगा कि आपके घर में जो इंडक्शन हीटर्स वगैरह या हीटर, प्रॉपर हीटर, तो हीटर का जो तार होता है वो कांची का बना होता है भैया, नाइक्रोम का ही बना होता है। देखते हैं कि जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो वो एकदम रेड हो जाता है, फिर भी गलता नहीं है, सोच लीजिए, यानी कि 1000 वाट पे तो ऑलरेडी ऑपरेट होता रहता है तो भी वो गलता नहीं, खाली रेड हो जाता है। तो सोच लीजिए कि वो कितना, उसकी जो हैंडलिंग कैपेसिटी है, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी या करंट हैंडलिंग, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होगा भैया कि नाइक्रोम का वायर का जो फ्यूज होगा वो भी ज़्यादा अगर होगा तो भैया घर में अगर बहुत ज़्यादा लाइट आ जाएगा और वो फ्यूज हुआ है, फ्यूज गलेगा नहीं, तो क्या होता है उससे कि आपके घर में जितने भी पंखा हैं और जितने भी होम अप्लायंसेस हैं वो सब का सब उड़ जाएगा। उड़ेगा नहीं मतलब कि क्या कहते हैं, करंट डिलीवर ही नहीं करेगा और ज़्यादा का ज़्यादा करंट अंदर आ जाएगा और जाहिर सी बात है कि हमको लॉस होगा, क्षति बहुत ज़्यादा ही हो जाएगी, ठीक है। फ्यूज को बेसिकली किस लिए लगाते हैं कि ज्यादा करंट आए तो फ्यूज सबसे पहले उड़ गए, और फ्यूज उड़ जाएगा तो हमारा जो घर का जो पंखा बत्ती और जितनी भी होम अप्लायंसेज हैं वो तो बच जाएगा, फ्यूज तो उड़ जाएगा, फ्यूज बदला जाएगा, लेकिन होम अप्लायंसेज जो है आसानी से नहीं बदलाते हैं, तो उसको बचाने के लिए बेसिकली फ्यूज लगाते हैं, ठीक है ना। तो अगर फ्यूज में ज़्यादा रेटिंग वाला अगर वायर यूज़ कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि करंट जो है आसानी से पास हो जाएगा और घर में पहुंच जाएगा तो होम अप्लायंसेस जितना है, पंखा बत्ती फ्रिज एसी सब का सब उड़ जाएगा। तो नाइक्रोम वायर का यूज़ तो बहुत रेयरली किया जाता है भैया, क्या किया जाता है, रेयरली यूज़ होता है, तो ये कभी ज़िंदगी में फ्यूज में यूज होगा भी नहीं, ये तो बहुत लो हैंडलिंग कैपेसिटी के लिए यूज़ होता है और ये भी लो ही होता है। तो इसका आंसर जो होगा राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आज के सेशन का जो लास्ट सवाल है वो ये निकल कर आ रहा है कि ट्रायक जो होता है वो कैसा होता है, यानी कि किसके समरूप होता है, यानी कि ट्रायक जो होता है वो बेसिकली किसके जैसा होता है, इन चार ऑप्शन में देखकर आपको बताना है। तो बेसिकली ट्रायक जो होता है वो इस तरीके का होता है, पहले देख लीजिए किस तरीके का होता है भाई, 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, ठीक है ना, MT1 इसको बोलते हैं, MT2 बोलते हैं और इसको गेट बोलते हैं बेसिकली। और ट्रायक को जो ट्रिगर किया जाता है वो पॉजिटिव
सप्लाई से भी किया जाता है और निगेटिव सप्लाई का भी यूज किया जा सकता है ट्रिगरिंग के लिए। ट्रिगरिंग आपको बता चुका हूं मैं कि ट्रिगरिंग होता क्या है, किसी भी डिवाइस को ऑन करने के लिए ट्रिगर पल्स का यूज कर सकते हैं। तो गेट पे ही अप्लाई किया जाता है ट्रिगरिंग पल्स, इसको जगाने के लिए। ट्रिगर कहाँ पे दिया जाता है, तो ट्रिगर जो होता है गेट पे अप्लाई किया जाता है। इसमें पॉजिटिव ट्रिगर भी दे सकते हैं और निगेटिव ट्रिगर भी दे सकते हैं। तो देख लीजिए भैया, फिगर से ही आपको देखकर पता चल रहा होगा कि ट्रायक जो है किस तरीके का डिवाइस है, किस तरीके से आपको लग रहा है। तो देख लीजिए, डायोड आप लोग देखा है कभी, नहीं देखा है तो देख लीजिए, डायोड इस तरीके का होता है। तो डायोड, इसमें दो डायोड को कनेक्ट किया गया है पैरेलल, अपोजिट अपोजिट करके और पैरेलली, यानी पैरेलल का क्यों होता है, पैरेलल का मतलब होता है कि अगर एक डायोड सीधा लगाया गया है तो एक को उल्टा लगा दीजिए, यही तो होता है पैरेलल, नहीं होता पैरेलल? अगर नहीं होता तो बोलिएगा हमको, कमेंट भी कीजिए। देखिए भैया, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए डिसलाइक कीजिए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आना चाहिए वीडियो पे, लाइक डिसलाइक्स आने चाहिए, कमेंट आने चाहिए, ठीक है। तो अभी का अभी आपके मन में जो भी डाउट है इस प्रॉपर सेशन के रिगार्डिंग, उस आपको कमेंट में डाल दीजिए, उसका आपको जवाब तुरंत का तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्ट जब होता है दो डायोड तो इस तरीके से दिखता है, और इसका सिंबल इस तरीके से है, ये ट्रायक होता है, ट्रायक का जो सिंबल है वो ये इस तरीके का होता है। ट्रायक को बोलते हैं ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट ही ट्रायक का फुल फॉर्म होता है, ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा भैया, SCR तो होगा नहीं, और दो डायोड कनेक्टेड इन सीरीज बैक टू बैक, सीरीज में तो नहीं कनेक्ट हो रहा है भैया, ये पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है। तो दो डायोड जो होता है वो पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है, तब एक ट्रायक का निर्माण होता है। तो आज के सेशन के लिए मैं यहीं पे अपना सेशन जो है टर्मिनेट करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्द से जल्द, आज का आज यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। और जाने से पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को एकदम फैला दीजिए। इस चैनल पे जो है BPSC की भी तैयारी होती है, बिहार SSC के लिए बैचेस चल रहे हैं, और भी ढेर सारे आने वाले दिनों में ढेर सारे बैचेस का अनाउंसमेंट होने वाला है। तो मैं यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द आप लोग इस चैनल को ये वायरल कीजिए। बिल्कुल अच्छे अच्छे चैनल वायरल नहीं होता है, वायरल कौन सा होता है, तो कच्चा बादाम और पक्का बादाम और फलाना ढिंकाना। देखिए यही सारी चीज़ें जो है आजकल जो है नेट का जो है दुरुपयोग हो रहा है। इंस्टाग्राम मत देखिए, पढ़ाई कर लीजिए थोड़ा सा, तो आपके आने वाले जो भविष्य है वो उज्ज्वल हो सके। तो इसी के साथ मैं ये सेशन जो है समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।